कृष्णा नदी में मिली रामलला जैसी प्राचीन विष्णु प्रतिमा, आभा मंडल पर दशावतार के निशान मौजूद। कर्नाटक के रायचूर जिले के एक गांव में कृष्णा नदी से भगवान विष्णु की एक प्राचीन प्रतिमा मिली है। रामलला की नवनिर्मित प्रतिमा से मिलता हुआ ये प्राचीन विग्रह पुरातत्ववेत्ताओं के अनुसार 11वीं या 12वीं शताब्दी का हो सकता है। भगवान विष्णु की इस खड़ी प्रतिमा के प्रभामंडल के चारों ओर दशावतारों को उकेरा गया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिले विपक्षी नेता, एक देश एक चुनाव को लेकर जताया विरोध। विपक्ष के नेताओं ने मंगलवार को एक देश एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की और एक देश एक चुनाव का विरोध किया। कोविंद से मुलाकात के बाद तृणमूल कांग्रेस के नेता कल्याण बैनर्जी ने कहा, हम पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता वाली समिति के समक्ष एक देश एक चुनाव के विचार का विरोध किया। उत्तराखंड में सर्वसम्मति से पास हुआ यूसीसी बिल, सीएम धामी बोले, राज्य ने रच दिया इतिहास। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को मूर्त रूप देकर धामी सरकार ने इतिहास रच दिया। बुधवार को उत्तराखंड विधानसभा में समान नागरिक संहिता बिल पास हो गया। मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सदन में इस विधेयक को पेश किया था। सीएम योगी ने काशी मथुरा को लेकर दिया बड़ा बयान, विधानसभा में विपक्ष पर जमकर साधा निशाना। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, आज नव्य दिव्य और भव्य अयोध्या को देखकर भी हर व्यक्ति अभिभूत है। ये कार्य बहुत पहले हो जाना चाहिए था। बांग्लादेश के विदेश मंत्री हसन महमूद पहुंचे भारत, दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार और परियोजनाओं पर होगी चर्चा। बांग्लादेश के विदेश मंत्री हसन महमूद भारत के दौरे पर हैं। वो आज 7 फरवरी दिल्ली पहुंचे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉक्टर हसन महमूद का भारत की पहली आधिकारिक यात्रा पर हार्दिक स्वागत। इस महत्वपूर्ण यात्रा से भारत और बांग्लादेश की मजबूत साझेदारी को और गति मिलेगी। एस जयशंकर को स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्री ने दिया नायाब तोहफा, स्पेस मिशन से गिफ्ट का है सीधा कनेक्शन। स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्री इग्नाजियो कैसिस भारत के दौरे पर हैं। सोमवार 6 फरवरी को उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। उन्होंने दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में मुलाकात की। ईरान में 15 दिन रुकने के लिए भारतीय पर्यटकों को नहीं होगी वीजा की जरूरत। ईरान में 15 दिन रुकने के लिए भारतीय पर्यटकों को वीजा की जरूरत नहीं है। ईरान ने हवाई मार्ग से ईरान जाने वाले भारतीय पर्यटकों के लिए अधिकतम 15 दिनों के प्रवास के लिए वीजा माफी की मंगलवार को घोषणा की। आज सीमित दायरे में बंद हुआ बाजार, सेंसेक्स 34 और निफ्टी एक अंक टूटा। आज शेयर बाजार सीमित दायरे में बंद हुआ। आज सुबह शेयर बाजार बढ़त के साथ खुला था, पर बाद में बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिला था। आज सेंसेक्स 34.09 अंक या 0.05% गिरकर 72,152.00 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी 1.10 अंक या 0.01% की तेजी के साथ 21,930.50 अंक पर पहुंचा। बाजार बंद होते समय निफ्टी पर लगभग 1932 शेयर हरे और 1339 शेयर लाल निशान पर बंद हुआ।